और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम। राजधानी जयपुर के जालूपुरा में एक कबाड़ी के पास हजारों की संख्या में आधार कार्ड रद्दी के भाव बिकने का मामला सामने आया है। मामला जयपुर के जालूपुरा के वार्ड 76 का है, जहां एक कबाड़ी की दुकान पर कोई व्यक्ति रद्दी बताकर उसी भाव में आधार कार्ड बेच गया। सभी आधार कार्ड लिफाफे के अंदर थे, इसके चलते कबाड़ी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और रद्दी के भाव में खरीद लिया। लेकिन जब एक आधार कार्ड का लिफाफा फट गया तो उसमें आधार कार्ड दिखाई दिए गए। कबाड़ी ने इसकी सूचना स्थानीय कांग्रेस पार्षद इकराम को दी। ये हिंदुस्तान की पहचान कबाड़ी की दुकान पर मिल रही है, ये देखो आप। दिखाओ। ये इंसान की पहचान कबाड़ी के हाथ के अंदर मिल रही है। क्या कर रही है गवर्नमेंट? अधिकारी क्या कर रहे हैं? सरकार पूरे दिन आधार कैंप लगा करके लोगों को धूप में खड़ा करती है। उनकी पहचान जो है कबाड़ी की दुकानों में मिल रही है, ये सरकार की संवेदनशीलता बताती है। सरकार कितनी संवेदनशील है लोगों के, और ये वार्ड क्षेत्र के लोगों के ज्यादातर आधार कार्ड है जो लोग एक साल से इनके इंतजार कर रहे हैं। वार्ड क्षेत्र के अलावा और भी वार्ड इंतजार कर रहे होंगे। पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान इंतजार करो अपने आधार कार्ड का, और आधार कार्ड कबाड़ी की दुकान में मिल रहे हैं। पार्षद जब कबाड़ी की दुकान पर पहुंचे तो कट्टे में भरे आधार कार्ड देखकर वो चौंक गए। सभी आधार कार्ड सफेद रंग के लिफाफे के अंदर थे और लिफाफे पर डाक विभाग की 5 रुपए की टिकट भी लगी हुई थी। इसका मतलब साफ है कि ये आधार कार्ड जिन लोगों को पोस्ट से पहुंचाए जाने वाले थे, वो उन लोगों तक पहुंचने से पहले ही कबाड़ी की दुकान पर पहुंच गए। मेरे वार्ड के कम से कम 4-5 हज़ार ओरिजिनल आधार कार्ड हमें अभी एक कबाड़ी की दुकान से प्राप्त हुए। कोई पूरा कट्टा आधार कार्ड का, ओरिजिनल आधार कार्ड का कबाड़ी की दुकान में बेच गया है। बच्चों ने ढूंढ करके हमें बताया कि ओरिजिनल आधार कार्ड पड़े हैं। हम लोगों से संपर्क किया, पता चला वो लोग आज तक आधार कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास आधार कार्ड पहुँचा नहीं है। ये आधार कार्ड की पूरा कट्टा हमारे पास भरा हुआ है, कम से कम 4-5 हज़ार आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड लोगों तक पहुँचे नहीं है और कबाड़ में बिक रहे हैं। सरकार इसके लिए क्या जिम्मेदारी शो करेगी? इसमें पाँच रुपये सरकार के इसमें लगे हुए हैं, और ये इसको कबाड़ तक कैसे पहुँचाए के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार की यही संवेदनशीलता है? 4-5 हज़ार लोग आपके घर पे अपने घर पे वोटर आईडी का आधार कार्ड का इंतजार कर रहे हैं और ये आधार कार्ड कबाड़ की दुकान में बिक रहे हैं। ये सरकार की संवेदनशीलता कैसे पता चलता है कि आधार कार्ड के प्रति लेकर के कितनी संवेदनशील है? ये लोग बच्चियाँ इसमें स्कूल में एडमिशन के लिए इंतजार कर रही हैं, उन बच्चों के आधार कार्ड यहाँ पड़े। मैंने कई लोगों को फोन करके संपर्क किया, उन लोगों ने यही कहा कि हम आधार कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास आधार कार्ड आया नहीं है। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सरकार की इसमें क्या जिम्मेदारी रहेगी और कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके, उनके लिए क्या सजा होगी। धन्यवाद। पार्षद इकराम ने आरोप लगाया कि आधार कार्ड पहुंचाने में सरकार गंभीर नहीं है, इसी के चलते इस तरह से आधार कार्ड रद्दी की जगह कबाड़ी की दुकानों पर बेचे जा रहे हैं। आधार कार्ड जयपुर के साथ ही राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के हैं। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।